सिरसा में एक युवक में पुरानी करेंसी को इकट्ठा करने का अलग ही जुनून देखने को मिला है। अपने मोबाइल शॉप के डिस्प्ले में कलेक्शन के रूप में पुरानी करेंसी को ही इन्होंने सजाया हुआ है। इसमें भारत की करेंसी के साथ साथ चीन समेत अन्य देशों की करेंसी भी शामिल है। जब कुछ कर दिखाने की ललक होती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा ही जुनून देखने को मिला गौशाला रोड निवासी पवन धमीजा में। 39 वर्ष के इस युवक ने ऐसा जुनून मनाया कि वह अपने देश की करेंसी को एकत्रित कर अपने पास रखे। उसने दूसरे देशों की करेंसी को भी इकट्ठा किया हुआ है। देश की आजादी से पहले 1941 से लेकर नोटबंदी के बाद आई नई करेंसी भी इनके कलेक्शन में शामिल है। इस करेंसी को उन्होंने अपनी मोबाइल शॉप में कलेक्शन के रूप में सजाया हुआ है। गौशाला रोड पर धमीजा मोबाइल शॉप के संचालक अजय धमीजा ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान में ही पुरानी करेंसी डिस्प्ले में लगा रखी है, जो हर आने जाने वाले ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से वे करेंसी को एकत्रित कर रहे हैं, ये उनके लिए जुनून की तरह है। वहीं उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों का कहना है कि यहां आने के बाद उन्हें देश की पुरानी करेंसी देखने को मिलती है, जो केवल किताबों में ही देखी थी। धमीजा कहते हैं कि करेंसी नोट इकट्ठा करने का शौक उन्हें 20 साल पहले लगा। तब सबसे पहले एक दो नोट इकट्ठे करने शुरू किए, उसके बाद सिक्के व पुरानी करेंसी इकट्ठी करने लगे। उनके इस जुनून में उनके दोस्त व दुकान में आने वाले ग्राहकों ने भी खूब साथ दिया, पुरानी करेंसी को उन तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने ये करेंसी मोबाइल काउंटर पर सजा रखी थी, फिर धीरे धीरे जैसे करेंसी बढ़ती गई उसने इसे अलग दीवार पर डिस्प्ले कर दिया। उन्होंने बताया कि अनेक लोग उनसे पुरानी करेंसी खरीदने के लिए भी आते हैं, लेकिन वह उन्हें प्यार से मना कर देते हैं। उन्होंने बताया कि करेंसी उन्होंने व्यापार के लिए नहीं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए खजाने के रूप में रखी हुई है। बस ऐसे 2005 से बस कभी एक दो सिक्के इकट्ठे करके, फिर नोट बाहर का लोकल इंडिया सारे इकट्ठे करके पहले काउंटर में लगा रखे थे। फिर धीरे धीरे बढ़ती गई करेंसी, तो सोचा कि कलेक्शन बढ़िया डिस्प्ले बना दें, फिर वो डिस्प्ले बना दिया हमने। अभी उसके बाद डिस्प्ले के बाद ही नोट इकट्ठे किए हैं बाहर के, नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग। अभी और डिस्प्ले में लगाएंगे, कोशिश करें डिस्प्ले और बड़ी हो जाए। बाकी कोई हमारा फ्रेंड, कोई हमारे रिश्तेदार बाहर जाते हैं भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, वहाँ से एक नोट मंगवा लेते हैं, हम उसको डिस्प्ले में लगा देते हैं। अच्छी लगती थी, लोग बहुत खुश होते हैं, देखते हैं, आते हैं, कंपनी वाले लोग आते हैं, देख के स्नैप लेके जाते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे पुरानी करेंसी पड़ी है, बाहर के नोट पड़े हैं, पाकिस्तान के पड़े हैं, नेपाल के पड़े हैं, अच्छा लगता है। वीडियो बना के जाते हैं, फोटो खींचना जाते हैं, मतलब अच्छी लगती है। कलेक्शन भी हमारे मोहल्ले में मतलब कर रखी है कलेक्शन, नोटों की, पुराने नए सारे नोट है, सिक्के हैं, 1941 का सिक्का है, 1942 का, 1950 आजादी से पहले के सिक्के पड़े हैं हमारे पास। जैसे जैसे हमारे पास इकट्ठे हम इकट्ठे करते गए, एक एक दो दो करके, और उसकी डिस्प्ले बना दी वहाँ पे हमने लगा दी। अच्छे लोग पसंद करते आते हैं, बच्चे देखते हैं, खुश होते हैं, हमारे जन्म से पहले की चीज़ है ये, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी। हमने ये चीज़ देखी नहीं है, हमें कई आते हैं लोग कहते हैं हमने इसकी चीज़ ली हुई है, इन पैसों की चीज़ ली हुई है, पंजी की, दस्सी की। बड़े बड़े लोग आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, अच्छा लगता है लोगों को भी करेंसी लगा रखी है। तो देखिए, आप जब ये नोट या इंडिया के नोट देकर बाहर के नोट परचेज करते हैं? नहीं सर, ऐसे प्यार मोहब्बत से लोग दे जाते हैं। जैसे हाँ, कोई बाहर जाते हैं, रिश्तेदार बाहर जाते हैं, वहाँ से नोट ले ही आते हैं, आ जाते हैं तो वैसे लगा देते हैं। अमेरिका का डॉलर आ जाता है, कोई ये हमारा इंडिया का दो बंद होने वाला नोट है 2000 का, वो है, तो ये हमारा भाई हांगकांग गया था, वहाँ से ये दे गया था, लेके आए थे। ऐसे काफी नोट हमने मतलब इकट्ठे कर लिए कि बांग्लादेश से जैसे कोई आता है, कोई घूमने के लिए आते हैं, उनसे एक आधा नोट कोई दे जाता है, तो वहाँ पे यहाँ पे देख के मतलब पसंद कर दिया। जैसे चाइना से आए थे, जैसे वीवो कंपनी चाइना से है ना, तो उनका हमने 1000 पुराना एक सिक्का था हमारे पास लगा हुआ था, तो वो सिक्के के बदले हमें 3 नोट दे गए थे चाइना के, वो डिस्प्ले में लगा रखे हमने। उनको अच्छा लगा था हमारा सिक्का बहुत पुराना है, वो सिक्का हमारे से ले गए थे 3 नोट चाइना के, वो दे गए थे हमारे को, वो डिस्प्ले में लगा रखे। टोटल कितने देशों के नोट आपके पास हैं? अभी हमने गिना नहीं, हम डिस्प्ले लगा देते हैं, जैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं, कभी ये गिनती नहीं, काउंटिंग नहीं करी हमने, कभी लगा देते हैं।